जय हिंद। वक्त तो चला है रेवाड़ी की, रात की बड़ी खबरों का। तो आपको बताते कि रेवाड़ी में डिवाइडर से कार टकरा गई है। देखिए, बार बार हादसे होते रहते हैं, लेकिन फिर भी सरकार सुध नहीं ले रही है। रेवाड़ी शहर के नए वाली ओवर ब्रिज पर शनिवार को एक रफ्तार तेज होने की वजह से पहले सड़क के बीच में रखे डिवाइडर से टकराई और फिर रॉन्ग साइड में जाकर पलट गई। इस हादसे में चालक की जान बाल बाल बच गई है, लेकिन कार का गला हिस्सा पूरी तरह से टूट चुका है। शनिवार को एक होंडा सिटी कार शहर के नए वाली चौक से नारनौर रोड की तरफ जा रही थी। ओवरब्रिज से उतरने के बाद रामपुरा मोड़ के सामने बिल्कुल सड़क के बीच डिवाइडर रखा हुआ है। आपको बता दें कि कार की स्पीड ज़्यादा थी, ऐसे में डिवाइडर से टकराने के बाद कार रॉन्ग साइड चली गई। टक्कर इतनी तेज थी कि जोरदार धमाके की आवाज़ सुनाई दी। हालांकि कार के चालक को किसी तरह की चोट नहीं आई है, लेकिन कार का अगला हिस्सा पूरी तरह से टूट चुका है। बता दें कि नारनौल रोड की तरफ से ओवरब्रिज पर चढ़ते वक्त बीच में डिवाइडर ऐसा बना हुआ है कि अधिकांश चालक को उसका पता ही नहीं है, जिसकी वजह से ये कई बार डिवाइडर के बीच में कारें फंस चुकी हैं। इसलिए गवर्नमेंट को चाहिए कि उस डिवाइडर को हटाए ताकि दुर्घटना से बचाया जा सके, क्योंकि जान से बढ़कर कुछ नहीं है। आज की खबरें यहीं तक, फिर मिलेंगे हम इस समय। देखते रहिए, हमारे चैनल को देखना ना भूलें। धन्यवाद।